तो वहीं हरियाणा चुनाव की पानीपत ग्रामीण सीट से आजाद उम्मीदवार विजय जैन का चुनाव प्रचार जारी है। सर्वजातीय पंचायत समाज के कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। विजय जैन को ब्राह्मण, योगी, एससी, बीसी समाज के साथ ही अनेक समाज के वर्गों ने विजय जैन को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन ने कहा कि पानीपत ग्रामीण की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक दर्द था कि कोई भी ग्रामीण की समस्या सुनने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले सर्वजातीय पंचायत ने मुझे समर्थन दिया, आज ब्राह्मण समाज, मुस्लिम, धानक, एससी, बीसी समाज सभी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सभी समाज के लोगों को उन्हें मेरे अंदर अपना बेटा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है ग्रामीण परिवेश में लोगों की सेवा करता रहूंगा। विजय जैन ने जनता के बीच जाके समर्थन की अपील की है और पानीपत ग्रामीण सीट से आजाद उम्मीदवार हैं विजय जैन, जो कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में सर्वजातीय पंचायत समाज के कार्यक्रम में विजय जैन को पगड़ी पहना के स्वागत किया गया। इस दौरान ब्राह्मण, योगी, एससी, बीसी समाज के साथ अनेक समाज के वर्गों ने विजय जैन को अपना समर्थन दिया है। पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन विरोधियों को पस्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पूरे पानीपत ग्रामीण से इतना सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जिनकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे साथ इस समय विजय जैन, उनसे बात की जाए। सर, गांव में इतना प्यार, प्यार दुलार कैसे मिल रहा है आपको? मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि पानीपत ग्रामीण जनता की सेवा करने का मैंने बीड़ा उठाया। मेरे मन में एक चीज थी कि कोई भी सम्मानित जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं था। सब घर में बैठे थे, चाहे नलियां फटी पड़ी है, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे पानी, पीने का पानी नहीं है, पानी है तो गंदा पानी है। प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में जिस तरह से निगम में खुलेआम भ्रष्टाचार है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। या जो बच्चों के लिए, जो गरीब आदमी बच्चों को कहाँ पढ़ाए, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अनेकों अनेक समस्याएं। हमारे बुजुर्गों की पेंशन कट गई, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ रही, राशन कार्ड कट गए, कितनी अनेकों समस्या। ये पोर्टल नाम की चीज ने इतनी समस्याएं पैदा कर दी कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया। आपको क्या लग रहा था, इतना प्यार, कितनी बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, और पहले भी आपको सिर्फ जाति पंचायत ने समर्थन दिया था, तो क्या नजर आ रहा है? देखिए, हर समाज मुझे समर्थन दे रहा है, सर्वजातीय जन पंचायत ने भी समर्थन दिया, आज पूरा ब्राह्मण समाज हर्ष गार्डन में मुझे समर्थन दे रहा है, मुस्लिम समाज ने भी समर्थन दिया, धानक समाज ने भी दिया, एससी समाज, बीसी समाज सभी मुझे समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जोगी समाज, क्योंकि उनको मेरे अंदर अपना बेटा, अपना भाई दिखता है। मैंने इस परिवार की कमाई की है, जो 5 साल से मैं लगातार अपनी सम्मानित जनता के बीच में हूँ, ये जनता मेरा परिवार बन चुकी है। इनकी सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और जब तक जीऊँ इनकी सेवा करूँ। आपको जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, कारण क्या समझते हैं कि ग्रामीण इलाके परिवेश में काम नहीं हुआ, या वजह क्या रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पानीपत ग्रामीण में प्रवासी लोग बहुत है, वो गरीब लोग हैं। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने देखा, जो पलायन भी करने लगे थे, लेकिन हमने एक नारा दिया था कि पानीपत में किसी भी प्रवासी को या किसी गरीब आदमी को जो जरूरतमंद है उसको भूखा नहीं सोने देंगे। हमने भरपूर कोशिश की कि पानीपत में कोई भी भूखा न सोए, जहां तक बना किया, आज उसका ही नतीजा है, उन्होंने मुझे अपना बेटा, अपना भाई मान लिया है। वो मेरे अंदर अपना बेटा, अपने भाई की छवि देखते हैं, और मैं प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे इतना सामर्थ्य और हिम्मत दे के रखना, ताकि मैं इन जरूरतमंदों के काम आ सकूं। लगातार आज भी हजारों लोगों का समर्थन आपको मिला है, विजय को किस तरह देख? विजय ने अपनी जिंदगी पानीपत ग्रामीण जनता के नाम कर दिया है। विजय अब अपने घर का नहीं रहा, मेरा परिवार ये पूरा पानीपत ग्रामीण है। 24 घंटे इनकी जनता में ये सारी जनता विजय है, और ये जीत विजय, मेरी जीत नहीं होगी, मेरी पानीपत ग्रामीण की जीत होगी। बिल्कुल, देखिए, विजय जैन ने जिस प्रकार पूरे पानीपत ग्रामीण को अपने परिवार समझते हुए अपना पूरा जीवन पानीपत ग्रामीण की सेवा में दे दिया है, और विरोधी इनसे पस्त नजर आ रहे हैं। राकेश बैनर्जी, मीडिया, पानीपत।